हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यस, तो आज का इंट्रो से तो आप समझ गए होंगे कि मेकअप लुक क्या है, क्योंकि मेकअप लुक का इंट्रो और मेरे ब्लॉग्स के इंट्रो थोड़ा सा मैंने चेंज कर रखा है। यस, तो मेकअप लुक कैसा लगा, मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सिंपल सा लुक मैंने किया है, बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं किया है। एंड बहुत ज़्यादा मैं पसीना पसीना हो गई, क्योंकि मेकअप करने के बाद जस्ट मैं आउटडोर शूट के लिए गई थी। फिर मैं वहाँ से आई तो मैंने कहा फटाफट से मैं इंट्रो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा। और आउटडोर शूट की रील्स देखने के लिए प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है नम्रता की दुनिया, मौज आईडी है नम्रता की दुनिया। तो प्लीज़ मुझे दोनों जगह आप फॉलो कर लें। एंड लुक में कुछ चेंज देखना चाहें, क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड और फैमिली में, और मुझे सपोर्ट। मेकअप लुक मैंने बहुत दिन बाद किया तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैसा होगा क्या होगा। काफ़ी टाइम के बाद मैंने लुक निकाला है, तो आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे, आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे। अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करा करें, मैं कमेंट का वेट करती रहती हूँ। बट वीडियो के स्टार्टिंग से ही लाइक बढ़ जाते हैं पर कमेंट का कहीं आता पता नहीं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पर कमेंट भी करें और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो बढ़ते वीडियो की तरफ, लेट ना करते हुए। और हाँ, मैं आज जहाँ जहाँ मुझे नीड है मैं वहाँ वहाँ बात करूँगी, आपको बताऊँगी, बाकी म्यूजिक लगा दूंगी तो आप साथ में म्यूजिक भी इंजॉय करें। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, सो लेट गेट स्टार्टेड। इसकी वीडियो रेडी है अभी, इसकी वीडियो अभी आप देख सकते हैं। यस, तो गला थोड़ा इग्नोर करिएगा, यहाँ पे गला हो गया है मेरा ख़राब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस्ट डर्माडॉग का, एंड सेकंड जो मैं यूज़ करूँगी वो भी यहाँ पे डर्माडॉग का सीरम है। एंड या तो नेक्स्ट जो मैं यूज़ करूँगी वो भी डर्माडॉग का फेस मॉइस्चराइज़र जेल बेस पे है, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आप जेल मॉइस्चराइज़र ट्राई करें। और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र, काफ़ी अच्छा आपकी लूज स्किन को टाइट कर देता है एंड एक्ने की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। तो नेक्स्ट जो है लैक्मे का फेस प्राइमर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। यस, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ब्लू हेवन का फाउंडेशन एज अ कंसीलर, पूरे आईज को कवर करूँगी एंड अपने फेस को भी इसी से पूरा अच्छे से कवर कर लूँगी। यस, तो हम सब जान लेते हैं कौन सी क्रीम है। ये सिर्फ ब्यूटी क्रीम है, आपको ऑन शॉप मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा कवरेज देती है। अभी आप डिफरेंस खुद देखिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करें, जो मुझे देखते हैं रियली में वो एक बार इस क्रीम को ज़रूर ट्राई करें। एक क्रीम से आपके पूरे लुक को ये कम्प्लीट कर देती है और कवरेज भी काफ़ी अच्छा, तो ज़रूर एक बार ट्राई करें मेरे कहने पर। Thank you.
यस, बेस मेकअप बिल्कुल डन हो चुका है मेरा एंड अच्छे से सेट भी हो गया एंड अब नेक्स्ट यूज़ करूँगी यहाँ पे ब्लू हेवन का मिनी आईज पैलेट है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है। आप किसी के लिए मिलना है उस रब का इशारा मुझको बनाया तेरे जैसे किसी
जित पे आई सूर मचा अब तो आजा कर देसी तो ज्वेलरी है मीशो की। अगर आपको कोड चाहिएगा तो आप प्लीज कमेंट बताएगा, मैं आपको कोड प्रोवाइड करा दूंगी। मेकअप लुक मेरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। यस, तो यहाँ पे लुक मेरा होता है कंप्लीट। आई होप लुक आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल सा सोबर सा लुक मैंने रखा है आईज का, और सारी मेकअप का जितना भी बेस है वो बहुत हल्का है, बहुत लाइट मैंने किया है। यस, एंड यहाँ पे चोकर और इयररिंग्स एंड इयररिंग के साथ और बैंगल्स के साथ मैंने अपने लुक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। हेयर स्टाइल कुछ बनाने का मूड नहीं था, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था उतना ज़्यादा, क्योंकि लुक आप ऐसा क्रिएट करो कि आप इस तरह का लुक करके कहीं जा भी सकते हो, और ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है कि इस तरह का लुक करके आप कहीं भी जा सकते हैं। यस, तो लुक मेरा कैसा लगा, साड़ी मेरी कैसी लगी, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।